IVM. भारत में कोई सीरीज खत्म हो और फिरकी का जिक्र ना हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने सीरीज जीता और एक बार फिर आर अश्विन की गेंदबाजी और उनकी बातचीत इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। खासतौर से जब मैन ऑफ द सीरीज उनको चुना गया तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका में आप क्या सोच रहे हैं, तो उनका पहला जो जवाब था वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में था कि मैं पहले अपनी टीम में जगह बनाना चाहूंगा और उसके बाद चाहूंगा कि हम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच जीते। तो ये एक अपने आप में एक ऐसा बयान है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है और साथ ही ऑफ स्पिन गेंदबाज भी इन दोनों चर्चा में है क्योंकि नेथन लॉयन 400 विकेट के बिल्कुल नजदीक है, तो उन पर भी बातचीत करेंगे। क्या मॉडर्न एरा में ये दो सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं नेथन लॉयन और अश्विन, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। दो खास मेहमान हमारे साथ, निखिल भाई और अयाज भाई हमारे साथ हैं और आज इनसे चर्चा फिरकी के फ्यूचर पर करेंगे। फिरकी क्या कुछ काम कर सकता है सब कॉन्टिनेंट के बाहर, इस पर बातचीत करेंगे। निखिल भाई, क्योंकि बींग ऑफ स्पिनर बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए, 50 बार वो 5 विकेट से ज्यादा ले चुके हैं एक इनिंग में, जो अभी सीरीज हाल में खत्म हुई, एक बड़ा अचीवमेंट था। फिर मैन ऑफ द सीरीज चुना गया और शायद पिछले 3-4 सालों में भारत में जब भी सीरीज खत्म हुई है मैन ऑफ द सीरीज का एक ही दावेदार नजर आता है और वो आर अश्विन होते हैं, लेकिन उनका जो दर्द है वो भी निकल कर बाहर आया। कैसे आप देखते हैं जब उन्होंने कहा पहले तो प्लेइंग 11 में जगह बनानी है और उसके बाद सीरीज जीतने की सोचना? देखिए, भारत के मेरे ख्याल में तीसरे सबसे सफल गेंदबाज है, जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स चटकाए हैं, 300 से ज्यादा घर पे विकेट्स चटकाए हैं, अद्भुत गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रैक्टिकल भी है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का दौरा है, वो समझते हैं टीम का बैलेंस बनाने के लिए कि आप 3 तेज गेंदबाज खिलाते हैं और एक अगर स्पिनर खिलाने को देखेंगे रविंद्र जडेजा, क्योंकि उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत काम किया है और जिस रफ्तार से वो ओवर भी डालते हैं वो भी टीम को फायदा करता है, नीचे आके रन बनाते हैं। क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है, इसमें अगर आप एक ओवर भी लेट हो जाते हैं तो आपके वो टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स में से एक ओवर कट जाता है और भारत ऑलरेडी 2 ओवर पीछे चल रहा है, 2 अंक उनके कट जाएंगे जब वो होगा। तो मेरे को लगता है प्रैक्टिकल है। हाँ, मैं रविचंद्रन अश्विन से ये जरूर विनती करूंगा, अगर मेरे को कहीं सुन रहे, गेंदबाजी के लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत बड़े गेंदबाज है, टीम के बैलेंस को बनाने के लिए अगर वो थोड़ा सा और काम कर सके अपनी बैटिंग के ऊपर, क्योंकि उस खिलाड़ी में वो प्रतिभा है राजीव भाई, वो उस तरीके से वो रन बना सकते हैं, टेस्ट में शतक लगाया, टेक्निकली बहुत ही साउंड बैट्समैन है, बट सिर्फ अपनी कला में भरोसा और थोड़ी मेहनत की जरूरत है, तो वो कंसिस्टेंटली आपको आके नीचे रन बना सकते हैं और वो भारतीय टीम का बहुत फायदा होगा। आप सोचिए, एक टीम में जहां रविंद्र जडेजा जिस कंसिस्टेंसी से रन बना रहे हैं और साथ में रविचंद्रन अश्विन, दो ऐसे खतरनाक गेंदबाज जो रन भी बना देंगे, टीम के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में गलत नहीं कहा था उन्होंने कि पहले मैं 11 में खेलने को देखूं साउथ अफ्रीका में, क्योंकि शायद 3 और 1 गेंदबाज रहेंगे, या अगर 2 गेंदबाज भी रहते हैं तो क्या भारत 4 तेज गेंदबाजों के साथ जा सकती है साउथ अफ्रीका में? नहीं, तो जोबर्ग में रहेगा तो मेरे ख्याल में तो रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे ही। लेकिन निखिल भाई, हरजैन का बड़ा अच्छा सुझाव है कि उनको वाइस कैप्टन बना देना चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे अश्विन। और वो डिजर्व भी करते हैं अगर सही मायनों में देखें, अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है उनके पास और अगर आप टेस्ट क्रिकेट में कम से कम उनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बिल्कुल, वो कंसिस्टेंटली आपको हर मुकाबले में आके वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सुझाव बहुत अच्छा है हर्ष जी। बट टीम के बैलेंस बनाने के लिए खासतौर से विदेश में जिस तरीके की पिच है, तो आप एक ही मुकाबले में 2 फिंगर स्पिनर नहीं खिला रहे, और रविंद्र जडेजा को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे हैं। और फर्क ये, जब आप 3 तेज गेंदबाज खिलाते हैं, आप विदेश में रहते हैं, तो जिम्मेदारी रहती है कि तेज गेंदबाज आपको 20 विकेट निकाल के दे, और स्पिनर का काम होता है तेजी से अपने ओवर निकाल दे, लेकिन वो प्रेशर बना के रखता है और कहीं भी रन लीक नहीं होने देता। जिस तेजी से आप अपने ओवर भी निकाल देते हैं उसके बारे में भी सोचा जाता है राजीव भाई, लेकिन जब आप भारत में खेल रहे तब जिम्मेदारी रहती है, स्पिनर्स आपको मुकाबला जिताते हैं, फास्ट बॉलर्स आपको अगर 1-2 विकेट निकाल देते हैं तो वो बोनस रहता है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, उमेश यादव को देखिए, विदेश में जाते हैं तो बेचारे को मौका नहीं मिलता, भारत में रिवर्स स्विंग का एक आधा स्पेल में जब वो 3 या 4 विकेट निकाल देते हैं तो वो विकेट टैली में रहते हैं, नहीं तो पिछले कुछ सालों से मैं बड़ा हैरान हूँ और
कि उमेश यादव को बेचारे को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता, कहते जी विदेश में आप खिला नहीं रहे, घर में आप खिला नहीं रहे, आप मेरे को टीम में लेके घुमाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बैलेंस के लिए ऐसा एक तो सुझाव आया था कि अश्विन को वाइस कैप्टन बना दे तो जगह सिक्योर हो जाएगी, लेकिन 2018 में तो अजिंक्य रहाणे को ही ड्रॉप कर दिया गया था दक्षिण अफ्रीका दौरे पे। बिल्कुल सही कहा है निखिल ने कि एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर कुछ चाहिए उन्हें तो वो है बैटिंग में, और मैं कहूंगा थोड़ी बहुत फील्डिंग में भी, क्योंकि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हो गए। लेकिन जो करंट फॉर्म है उनका, मेरे ख्याल से देखे आप उनको एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर ही देखें तो आप उनको कभी बाहर नहीं रख सकते। वो हर मैच में आपको 4 या 5 विकेट निकाल के दे रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट गजब का है, उनका एवरेज बहुत सही है। और सबसे बड़ी बात यह है फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर ओवरसीज बल्लेबाज आप जहां भी जाते हैं जो बल्लेबाज जिनको भय है इंडियन बॉलिंग से गेंदबाजों से, तो मैं कहूंगा बुमराह और अश्विन से सबसे ज्यादा है, एक तेज गेंदबाज और एक स्पिनर। उसके बाद मोहम्मद शमी भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सिराज उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बैट्समैन के मन में भय है। ऑस्ट्रेलिया में भी खेला तब उन्होंने स्टीव स्मिथ और मानस लभूषण जैसे प्लेयर्स को पकड़ के रखा था, अपने ग्रिप में रखा था, रन नहीं बनाने दिया इजिली। इंग्लैंड में उनको खिलाया नहीं किस वजह से अब तक मुझे नहीं समझ में आया है टेस्ट मैचेस में। लेकिन आप किसी भी दिग्गज बैट्समैन से बात कर ले अश्विन के बारे में तो प्रशंसा के अलावा कुछ और है नहीं, और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। जो लॉकडाउन में जो उन्होंने बहुत अपने बॉलिंग को इम्प्रूव किया है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, और जो उनका स्ट्राइक रेट बना है पिछले 18-20 महीने में वो लाजवाब है। तो आप उनको बाहर किसी, मुझे तो नहीं लगता है किसी ग्राउंड पे आप उन्हें टीम से बाहर रख सकते हैं ऐसा। लेकिन उनका दर्द भी बाहर आया इंग्लैंड में जो नहीं खिलाया गया बींग नंबर वन स्पिनर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली कह भी दिया कि पहले तो वो प्लेइंग 11 में जगह अपनी पक्की करना चाहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। अब एक ऐसा गेंदबाज जो 400 से ज्यादा विकेट ले चुका हो अगर उसको ये कहना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ टीम मैनेजमेंट से गड़बड़ हुई है। और अगर आप नेथन लॉयन को देखें एक तरफ अयासर, वो हर टेस्ट मैच खेलते हैं, वो पिच कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके नंबर वन स्पिनर है इसलिए वो टीम में खेलते हैं। सेम वही बात शेन वॉन के साथ ही, वो दुनिया के नंबर एक स्पिनर थे और ऑस्ट्रेलिया के नंबर एक स्पिनर थे इसलिए वो टीम में खेलते थे। क्यों ये बात अश्विन के साथ लागू नहीं होती? देखिए मेरे ख्याल से कुछ हद तक क्या है कि आप हमारे इंडिया के पास स्पिनर ज्यादा है, विकल्प ज्यादा है, और अब रविंद्र जडेजा जैसे निखिल ने बताया कि वो एज अ फ्रंट लाइन बैट्समैन भी खेल सकते, इतना इंप्रूवमेंट आया उनकी बैटिंग में, और फील्डिंग में तो 25-30 रन आपको बोनस ऑलरेडी मिल जाते हैं उनसे, तो चॉइस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे हो गया जैसे अश्विन 2018 ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में इतने सफल नहीं रहे जब वो रेगुलर मेंबर थे, और उनकी जगह जो है धीरे धीरे जडेजा ने ओवरसीज मैचेस में अपनी बना ली, अपना बना लिया जो जगह को, तो फिर वापस आने की जो स्ट्रगल हुई है अश्विन की वो काफी अरसा गया, उसमें 1.5-2 साल निकल गया। अच्छी बात यह है कि वो स्ट्रगल के बाद अब अपनी बॉलिंग में इतनी इंप्रूवमेंट लाए कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। एक जरूर चैलेंज है कि साउथ अफ्रीका में आप शायद इंडियन टीम को एक स्पिनर से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी, तो अगर वो स्पिनर अश्विन को ही बनना है तो फिर उनको थोड़ी सी मेहनत बैटिंग में या फील्डिंग में करनी होगी। अब जो खबर सुनने में आ रही है कि शायद जडेजा ना जाए साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनकी इंजरी हुई है, अक्षर पटेल की भी इंजरी हुई है, तो उनके लिए पास जो है वो क्लियर हो जाता है क्योंकि और कोई कंपेटिटर है नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंडियन स्क्वाड देखें 15 का हो या 20 का हो कोविड के टाइम पे, उसमें आपको 2 या 3 स्पिनर मिलेंगे ही, इसी वजह से कॉम्पिटिशन है। नेथन लॉयन के लिए कोई कॉम्पिटिशन है नहीं, वो एक अव्वल स्पिनर है वो टीम में, और शेन वॉन अपने जमाने में स्टुअर्ट मैगल के अलावा कोई चैलेंजर नहीं था उनके लिए, और दोनों ही लेग स्पिनर थे तो शेन वॉन हमेशा खेलते थे। निखिल भाई बड़ा अच्छा सवाल हर्षय ने पूछा है कि हम 10-15 रन कोई एक्स्ट्रा मैदान पे बचाता है टेस्ट क्रिकेट में, तो क्या हम एक विकेट टेकिंग ऑप्शन को यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे? ये और वाकई ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे जहन में भी था कि एक अगर आप विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो क्या 15-20 रन कोई बना रहा है या बचा रहा है, उसके बनस्पत आप उसको खिलाना पसंद करेंगे? हर्षय मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि टेस्ट मैच में वो 15-20 रन शायद माने इतने नहीं रखते इतनी सफेद बॉल में, क्योंकि हार और जीत एक रन से रहते हैं। लेकिन टेस्ट मैच में आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन कभी भी आपको आगे लेके चलेंगे। लेकिन टीम का बैलेंस बनाने के लिए जो आयाज सर भी कह रहे थे वो रविंद्र जडेजा के पक्ष में इसीलिए जाता है क्योंकि वो नीचे आके आपको 50-60 रन बना देते हैं, तो वही फर्क है। अगर जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग अगर हल्की सी और सुधार उसमें हो जाए और जिसमें वो काबिलियत है
टेस्ट मैच 100 जिन्होंने बनाया है, टेक्निक बहुत अच्छी है, वो कंसिस्टेंटली अगर 30-30, 40-40 रन भी बना लेते तो कोई दो राय नहीं है, वो हर मुकाबला खेलते। पर एक टीम में दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जब आप विदेश में जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि तेज गेंदबाज आपको विकेट निकालने का काम करते हैं और आपका जो मेन एक और जो स्पिनर रहता है वो रन रोकता है या विकेट निकालने की उसकी भी कोशिश रहती है, लेकिन साथ में बैटिंग के ऑप्शन, बैटिंग का बैलेंस बनाने के लिए इसीलिए रविंद्र जडेजा को खिलाया जाता है। लेकिन जब भी आप विदेश में भी दो स्पिनर खिलाने को देखते हैं, पांच गेंदबाज खिलाने को देखते हैं, 3+2, 3 फास्ट बॉलर, दो स्पिनर, तो रविचंद्रन अश्विन हमेशा वहां पे फ्रंट लाइन ही अगर रहेंगे। अगर आपने प्योर स्पिनर और स्पिनिंग ऑप्शन खिलाना है तो हमेशा रविचंद्रन अश्विन रहेंगे। जैसे विदेश में जाते हम लोग हमेशा चर्चा करते थे, विदेश में आपको क्या बैट्समैन कीपर चाहिए और भारत में आपको कीपर बैट्समैन चाहिए, तो दोनों में बड़ा फर्क रहता है बैलेंस टीम का बनाने के लिए, क्योंकि गेंद घूमने लगता है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए भी भारतीय टीम वो उसी अंदाज से सोच रही है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना है अपनी थिंकिंग में और अपनी टीम के बैलेंस के बारे में। ऐसा लेकिन क्या सोच बदलेगी? अब मुद्दा यह है कि राहुल द्रविड़ अब टीम के साथ जुड़े हैं, क्या उनकी और विराट की सोच डिफरेंट होगी जो रवि शास्त्री सोचते थे? क्योंकि मेरे मुझे जो एक इंसिडेंट याद आता है कि सौरव गांगुली कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर को गेंदबाज ही नहीं मानते थे, क्या ये साइकोलॉजी थी रवि शास्त्री विराट के साथ कि वो ऑफ स्पिनर को गेंदबाज नहीं मानते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको हमेशा लगता था कि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में ज्यादा फिट बैठते हैं। अब यही बात अगर अब दादा के साथ जाए तो दादा लेफ्ट आर्म को नहीं खिलाना पसंद करते थे, ज्यादातर उन्होंने ऑफ स्पिनर्स पे ज्यादा भरोसा किया, क्या ये बड़ी वजह है कि सोच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो दादा के एरा हो या रवि शास्त्री विराट का या राहुल द्रविड़ का? बेशक, क्योंकि राजीव ये जो है ये सब्जेक्टिव चीज है और डिपेंड करता है जो सामने जो कैप्टन हो, मैनेजर हो, जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्पिनर्स या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को खेला है। दादा जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत आसानी से खेलते थे, तो उनके मन में ये था कि भाई ये इतना ये तो बहुत कोई भी खेल लेगा इनको, लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे ऑफ स्पिनर्स को अगर आप बहुत इजीली खेल लेते हैं एज अ कैप्टन, तो आपके एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि यार ऑफ स्पिनर मुझे मैच जिता सकेगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो इतना आसानी से रन बना लेता हूं। तो ये हो सकता है, ये प्ले करता है। लेकिन आप देखें, कोई टेम्पलेट नहीं है, जो रवि शास्त्री और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन था वो किस डायरेक्शन में था, ये जरूरी नहीं है कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली भी उसी डायरेक्शन में जाए। और ये ना भूलें कि क्रिकेट जो है और उसके टैक्टिक्स जो है वो हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं, कोई फिक्स ये नहीं है कि एक ही रणनीति बनेगी और वो हमेशा 10 साल तक चलेगी। आप साउथ अफ्रीका जाओगे तो आपकी प्लानिंग जो है वो अलग होगी, अभी साउथ अफ्रीका की टीम भी रीबिल्ड कर रही है, ना डिविलियर्स है ना फैफ डुप्लेसी है, काफी यंगस्टर्स आ रहे हैं बैट्समैन, उसके ऊपर आपको रिसर्च और स्टडी करनी पड़ेगी कौन कैसा खेल रहा है, कुछ रिकॉर्ड निकालेंगे वगैरह, आजकल डेटा पे बहुत कुछ प्लानिंग चलती है। तो क्या ऑफ स्पिनर वहां पर अच्छे चलेंगे या नहीं, कि लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर, ये सब स्टडी करते होंगे। और जो तजुर्बा है द्रविड़ का और विराट का खुद का, वहां पर किस तरह से मेल होता है दोनों का थॉट प्रोसेस का, उस पर डिपेंड करेगा कि किसको ज्यादा वो एम्फोसिस देते हैं या ज्यादा वजन देते हैं, कि ऑफ स्पिनर होना चाहिए, लेफ्ट आर्म होना चाहिए कि लेग स्पिनर होना चाहिए। तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अश्विन पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और आगे ये भी बात करेंगे कि नेथन लॉयन और अश्विन में ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है, यानी दुनिया का नंबर एक स्पिनर कौन है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fans point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website or wherever you get your podcasts. Break ke baad ek baar phir aapka swagat hai, aap Nikhil bhai aur Ayaz bhai ke saath dekh rahe hain Khel Niti aur Nikhil bhai jo Ayaz sir ne baat ki usko main thoda aage badhana chahta hu, jo ek to process ki baat ki ki hamesha kuch na kuch evolve hota rehta hai, wo theek hai ki aap evolve hota hai, but aap ye bhi dekhte hain ki aapke match winners hain kaun team mein। हमेशा चर्चा होती है कि आपके जो बेस्ट चार ऑप्शंस हैं वो टीम में होने चाहिए, बेस्ट पांच अगर आप खिलाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी होता है ये इस डर से कि आपकी बैटिंग थोड़ी वीक है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में वो जान नजर नहीं आ रही, क्या ये कॉम्प्रोमाइज थोड़ी देर के लिए खत्म होगा राहुल द्रविड़ क्योंकि टीम के साथ आए? राजीव भाई ये तभी खत्म होगा जब आपका मध्यक्रम सॉलिड होगा। अगर चेतेश्वर पुजारा ने पिछले 10 टेस्ट मैच में 300 बनाए होते
दो अशतक रहते, 50% कन्वर्जन का रेट रहता, अजिंक्य रहाणे की औसत जो होती वो 55-60 की होती, तब आप कह सकते थे कि हम पूरे चांस ले लेंगे, हम पांच बल्लेबाजों के साथ उतर जाएंगे, एक कीपर है और पांच गेंदबाज खिलाते हैं या चार गेंदबाज के साथ भी, क्योंकि बैट्समैन उस तरीके से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब फर्क क्या है, विदेश में आप जब जाते हैं, विदेश में अगर आप टॉस हार जाते हैं, पहले बल्लेबाजी करने को आपको मौका मिलता है, दो घंटे में आपको बल्लेबाजी करनी है, पहली इनिंग में 350 रन बना लेंगे तो भारत को टेस्ट मैच जीतने का बहुत अच्छा चांस होता है। लेकिन वो 350 रन बनाने के लिए सलामी बल्लेबाज के साथ साथ मध्यक्रम विराट कोहली के ऊपर बहुत वो जिम्मेदारी रहती है, वो दारमदार वो तीन बैट्समैन जो रहते हैं टॉप के उनके ऊपर रहता है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे आपको रन बना के नहीं दे रहे, इसलिए आप कहते हैं कि नीचे एक ऐसा बॉलर भी देखते हैं जो मेरे को 40-50 रन भी बना दे, गेंद थोड़ा सा पुराना होता है, किसके पास कला है, वो फर्क है। अगर आपका टॉप ऑर्डर टॉप नॉच फॉर्म में सीनियर की तरह बल्लेबाजी कर रहा होता तो जोखिम की बात ही नहीं है, तब तो सीधा सीधा आप ये देखिए कि मेरी बैटिंग में मेरे को कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे गेंदबाज खिलाऊंगा जो मुझे 20 विकेट दिलाएंगे और हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। शेन वॉर्न की आपने बात जरूर की, शेन वॉर्न के साथ आप देख लीजिए किस किस्म के बैट्समैन थे, कहां पे कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो हमेशा सोचते थे कि हमने 20 विकेट कैसे निकालने हैं, हमारी दिक्कत कुछ अलग है। तो उसी के लिहाज से हमको अपना बेस्ट ढूंढना है, और जिस एरा में शेन वॉर्न खेल रहे थे वो एरा और ये एरा में फर्क है, क्योंकि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के लिए भी आप अपना ओवर रेट बिल्कुल नहीं घटा सकते, तो आपको वैसे भी स्पिनर चाहिए जो तेजी से ओवर डाले, नहीं तो आपके पॉइंट्स कट जाते हैं। तो एक नजर वो पॉइंट के ऊपर है और किस रफ्तार से आप हर घंटे में अपने ओवर जो एवरेज ओवर रेट है उसको भी बना के रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे लिए रविचंद्रन अश्विन बाहर जाके भी अगर विकेट निकालनी है तो पहले गेंद उनकी तरफ ही मैं फेंकूंगा। लेकिन आया सर जो निखिल भाई कह रहे हैं आप उस बात से कितना सहमत है कि अगर मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है या बैटिंग आपका जो एवरेज है कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है तो फिर आप सैक्रिफाइस आपको नीचे करना पड़ता है, आप उन गेंदबाजों को ढूंढते हैं जो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। बड़ा एग्जाम्पल शार्दुल ठाकुर है जो ऑस्ट्रेलिया में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्या ये थ्योरी आप समझ रहे हैं कि ये जो नई मैनेजमेंट आई है वो इस थ्योरी पे चलेगी, या आपको लग रहा है क्योंकि राहुल द्रविड़ प्योरिस्ट हैं टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्रिकेट में अगर मैं बात करूं, माइंडसेट थोड़ा उनका अलग होगा टेस्ट क्रिकेट को लेके, आपको लग रहा है थोड़ा एक दो टेस्ट मैच और आप देखना चाहेंगे भी? देखिए मुझे लगता है राहुल द्रविड़ हो प्योरिस्ट तो है ही, लेकिन कोई भी कैप्टन हो या कोई भी कोच हो वो चाहेगा कि उसका टॉप ऑर्डर जो है वो प्ले करे एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अगर आपके पांच टॉप फाइव जो है वो रन नहीं बना रहे हैं और आप कहोगे कि मैं बैटिंग जो है एक्सटेंड करते जाऊं, बॉलर जो है वो भी बैटिंग करें और बैटिंग करते हैं इसी वजह से उनको टीम में लेना चाहिए, तो फिर ये टॉप ऑर्डर की जरूरत क्या है, फिर आपके लिए फ्रंट लाइन बैट्समैन की जरूरत क्या है? तो ये बहुत जरूरी है कि आपके टॉप ऑर्डर जो है डेफिनेटली बैट्समैन फेल भी होते हैं, लेकिन अगर आप 2-2.5 साल तक रन नहीं बनाते हैं तो फिर दुविधा बहुत बढ़ जाती है। ये तो खुशकिस्मती है इंडिया की कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल जैसे आपके पास स्पिनर्स आ गए हैं जो जिनका बैटिंग एवरेज भी 20-25-30 है, जडेजा का मेरे ख्याल से 35-36 हो गया है अभी ऑलरेडी, तो ये एक बोनस है, लेकिन बोनस का मतलब नहीं है आप इनको फ्रंट और टॉप लाइन बैट्समैन बना दे, क्योंकि टॉप लाइन बैट्समैन अगर इनको बनाना है तो फिर आपको ये पुजारा रहाणे वगैरह इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि क्या होगा इस वक्त जब सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि कोविड का समय है तो 21 मेंबर का स्क्वाड बनेगा, जैसे साउथ अफ्रीका ने 21 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है, और अगर 21 मेंबर का स्क्वाड बनता है तो दोनों पुजारा और रहाणे की जगह बनती है स्क्वाड में, प्लेइंग 11 की बात अलग है, जब वहां जाके आपको 11 चुनने 21 में से तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। लेकिन रोहित और राहुल वापस आएंगे, शमी और बुमराह वापस आएंगे, ऋषभ पंत वापस आ रहे, पांच प्लेयर्स तो आपके ऑलरेडी जो है, अगर इसी में आप ऐड कर दे तो और किसी की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम अब यह है कि अगर जडेजा नहीं जाते हैं, अक्षर नहीं जाते हैं इंजरी की वजह से, तो फिर आपको स्पिनर्स और कहीं से ढूंढने की जरूरत है, आप कहां से लाएंगे ऐसे प्लेयर्स जो कुछ बैटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब इन तीनों को अगर आप निकाल दें तो स्पिनर्स ऐसे है नहीं इतने इंडिया में जो आपको 20-25-30 रन लोअर डाउन द ऑर्डर दे दे, तो ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता है ऑन द टूर। अब देखते हैं क्या किस तरह से जो 21 मेंबर का स्क्वाड बनेगा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चर्चा हुई है पुजारा और रहाणे के बारे में, दोनों ही प्लेइंग 11 में उनकी जगह थोड़ी सी हल्की हो गई है या यू नो प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन स्क्वाड में मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई खतरा है, वो 21 मेंबर के स्क्वाड में रहेंगे।
कसाड साहब का निखिल भाई आपके लिए सवाल है, उनका कहना है कि जो सिलेक्शन है पहले टेस्ट मैच के लिए जो प्लेइंग 11 होगा वो काफी हद तक इस नई टीम मैनेजमेंट की सोच को दिखा देगा कि आप चार बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं या पांच बॉलर्स आप खिलाना चाहते हैं। जी इसमें कोई दो राय नहीं है आप, क्योंकि विदेश में जाके टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं, विकेट का मुआयना करके तभी वो निर्णय लेंगे, और टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेट निकालने जरूरी है, लेकिन विदेश में जाके पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी करते हैं या फिर आप दूसरी इनिंग में जब बैटिंग करने को मिलता भी है तो 350 रन आप बोर्ड पे लगा देंगे। भारत पहले बार बैटिंग करे या साउथ अफ्रीका के बाद बैटिंग करे, वो पहली इनिंग में जब खेलेगी तो वो 350 रन बोर्ड पे लगाने राजीव भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे गेंदबाज हैं जो वहां पे विकेट चटका सकते हैं। और अयाज भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एक दक्षिण अफ्रीका की टीम नए सिरे से रीबिल्ड करने को देख रही है, तो मेरे ख्याल में इतिहास रचने का इससे बढ़िया मौका शायद भारत को ना मिले। जिस तरीके से भारत के गेंदबाज है, बल्लेबाजी है, और जिस तरीके की टीम रहेगी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराने के लिए फिर एक वो गोल्डन ट्रायंगल रह जाएगा विराट कोहली के लिए। वो कारनामा कर चुके होंगे जो शायद उनसे पहले किसी भी भारतीय कप्तान ने नहीं किया, कि ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके हराया इंग्लैंड को और फिर अब साउथ अफ्रीका को, जो हम लोग हमेशा कहते आए थे कि हम लोग घर में हमेशा जीते हैं लेकिन विदेश में जाके क्यों नहीं जीत पाते। विदेश में आप कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे, 350 रन एज अ बैटिंग यूनिट, 450 रन एज अ बैटिंग यूनिट, मैं 450 भी नहीं कह रहा, 350 का आप मापदंड लेके चलेंगे तो आप हमेशा सवाल पूछेंगे। आप क्रिकेट के इतिहास में देख लिए, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट में जहां पे कंडीशंस फेवर की है फास्ट बॉलर्स को, भारतीय गेंदबाजों ने हमेशा आपको गेम में वापस लेके आया। अयाज भाई इफ आई एम रॉन्ग मुझे आप बताना, चाहे इंग्लैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे साउथ अफ्रीका है, हल्की सी भी कंडीशंस रही है बॉलिंग के लिए, भारतीय गेंदबाजों ने हमेशा अच्छा किया, पर हम वो 350 रन बोर्ड पे नहीं लगा पाते, वहां पे फंस जाते। अया सर अब थोड़ी बात नेथन लॉयन की भी कर लेते हैं, 399 विकेट्स हो गई है उनकी, और एशियाज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा भी दिखा पहले टेस्ट मैच में, हालांकि उनको एक विकेट का इंतजार है, बट एक बार चर्चा तो फिर गर्म हो ही गई है कि नेथन लॉयन और अश्विन दोनों का जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में वो कमाल का है। जिस रफ्तार से अश्विन विकेट ले रहे हैं, जिस तरह से नेथन लॉयन का कंट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या ये दोनों स्पिनर्स मॉडर्न एरा के बेस्ट स्पिनर आप मानते हैं इनको टेस्ट क्रिकेट के? बेशक, मेरे ख्याल से देखिए ये रेस है दोनों प्लेयर्स में, जो एक मैराथन रेस बोलते हैं ना हम, ये स्प्रिंट नहीं है कि कौन पहले 50 विकेट पहुंचा या 100 विकेट पहुंचा या 200 विकेट पहुंचा, ये मैराथन रेस है। कुछ 2018 तक या 2019 तक ऐसा लगा कि नेथन लॉयन ये रेस में बहुत आगे निकल गए, लेकिन जिस तरह से वापसी की है अश्विन ने पिछले सीरीज में जब इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उनको ओवरशैडो कर दिया दो मैचेस हराए, बल्कि नेथन लॉयन जो है जिनसे उम्मीद थी, खास करके जब इंडिया आखिरी इनिंग में बैटिंग करती है, नेथन लॉयन विकेट निकाल लेंगे और मैच जिता देंगे ऑस्ट्रेलिया को, वैसा हुआ नहीं। तो अब जो है फिलहाल फॉर्म अब चल रहा है फॉर्म अच्छा अश्विन का, और जो कैचअप करना है वो नेथन लॉयन को करना है। 2020 सीरीज के पहले ऐसा लग रहा था कि अश्विन जो है वो कैचअप कर रहे हैं नेथन लॉयन से। मैं टोटल ओवरऑल विकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो एक इम्पैक्ट होता है प्ले पे, एक टेस्ट मैच पे सामने वाले बल्लेबाजों पर, आज अगर आप विश्व के सबसे टॉप बल्लेबाजों को पूछे कि आपको किस ऑफ स्पिनर से ज्यादा या किस स्पिनर से ज्यादा भय है, वो कहेंगे अश्विन, नॉट नेथन लॉयन। तो फिलहाल जो है मेरे ख्याल से अश्विन ने नेथन लॉयन को ओवरटेक कर लिया। अब देखना है कि नेथन लॉयन इस एशी सीरीज में किस तरह से विकेट निकालते हैं। पहले अब तक जो मैच हो रहा है, हम जैसे बात कर रहे हैं, अब तक एक विकेट नहीं मिली, 8 विकेट सब पेस बॉलर्स को मिली है, लेकिन वो ब्रिस्बेन का पहला दिन का जो सपोर्ट मिलता है फास्ट बॉलर्स को वो तो है ही, लेकिन नेथन लॉयन की ज्यादातर अगर आप सक्सेस देखे तो वो चौथे और पांचवें दिन आई है जहां भी वो खेले। अश्विन जो है अब इस तरह के गेंदबाज हो गए कि वो आपको पहले दिन, आपने देखा होगा मेलबर्न टेस्ट में जब इंडिया जीती थी पिछले बार, पहली बार पहली 36 पे आउट होने के बाद लंच से पहले आके गेंदबाजी की और विकेट निकाला उन्होंने। तो ये जो उनमें एक आ गया है कि एबिलिटी के कभी भी वो गेंदबाजी कर सकते, फर्स्ट डे हो, थर्ड डे हो, लास्ट डे हो, ये ऑफ-स्पिनर्स की कला है भाई, सब ऑफ-स्पिनर ना बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन निखिल भाई जो नेथन लॉयन के बारे में आया सर कह रहे हैं कि चौथी और पांचवी दिन लेते हैं, लेकिन उनका क्रेडिट ये भी है कि फास्ट बॉलिंग डोमिनेशन वाली कंट्री में उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है,
एज अ ऑफ स्पिनर, हम तो चलिए अश्विन का विकेट लेना हम समझ सकते हैं, भारतीय कंडीशंस में आप 300 विकेट ले जाते हैं वो अलग बात है। मैं नेथन लॉयन का थोड़ा इसलिए एडवांटेज देखता हूँ कि वो फास्ट बॉलिंग डोमिनेटेड कंट्री में अकेले स्पिनर है जो इतने सालों से खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को मैचेस जिता रहे हैं। राजीव भाई, साथ ही में अगर आप दोनों स्पिनर्स की तुलना करें तो बड़े मजेदार एक तुलना है। कोई भी यंगस्टर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है या हमारा शो देख रहा है, एक गेंदबाज जिसने इतनी सफलता हासिल की है सिर्फ ऑफ स्पिन पे, अपनी उस कला में सालों साल में सुधार करते चले गए, वो बाहर वाला गेंद नहीं डालते, बहुत कम डालते हैं, वो कैरम गेंद नहीं डालते, वो ओवर स्पिन वाला गेंद नहीं डालते, सिर्फ क्या वो करते हैं कि अपनी ऑफ स्पिन एक टप्पे पे जब डालते हैं पर वो तीन या चार अलग ट्रेजेक्ट्री पे उस गेंद को डालते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए वो असरदार साबित होते हैं। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन, जिस तरीके से उन्होंने महारत हासिल कर लिए, अलग अलग गेंदे डालते हैं, कैरम गेंद डालते हैं, ओवर स्पिन वाली डालते हैं, एक उंगली से वो स्लाइडर गेंद डालते हैं जो पढ़ के और बाहर जाता है, आउटस्पिन की तरह जाता है सीधे हाथ के बैट्समैन को, ऑफ स्पिन और अच्छी तरीके से उसमें सुधार किए, वो शाइन को बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ गेंदे शाइन बाहर रख के डालते हैं, कुछ गेंदे शाइन अंदर हथेली में लेके डालते हैं, तो अलग अलग गेंदे डालने का महारत हासिल किया है। अंत में आप बतौर गेंदबाज कितना अपनी कला में भरोसा दिखाते हैं और किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं और वो बिलीफ के साथ आप विकेट चटकाते हैं और अंत में आप बैट्समैन को किस तरीके से रीड करते हैं वो बताता है कि आप कितने सफल गेंदबाज होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 50 किस्म की गेंदें डाल लें या सिर्फ एक किस्म की गेंद हो फिर भी आप सफलता नहीं हासिल करेंगे, तो वो गेम को रीड करना भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। मेरे लिए ये बहुत बढ़िया कंपैरिजन है, एक ही किस्म के गेंदबाज है लेकिन देखिए दोनों का बॉलिंग का स्टाइल कितना अलग है। तो ऐसा तो निखिल भाई की माने तो वेरिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको मास्टर करना अपनी आर्ट में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इन्होंने एनालिसिस किया निखिल ने और मुझे बहुत मजा आया देखने में कि किस तरह से दोनों, हालांकि दोनों ऑफ स्पिनर है लेकिन कितने अलग है। मुझे लगता है जहां पर अश्विन को एडवांटेज है फिलहाल, और मैं ये मानता हूं कि एक दूसरे से सीखते हैं गेंदबाज, जो ऑफ स्पिनर जो एक दूसरे से सीखते हैं, भले वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो लेकिन वो अश्विन किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, नेथन लॉयन ने खूब दूरबीन लगा के देखा होगा टीवी पर भी कि किस तरह से वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अश्विन जो है जिस तरह से इवॉल्व हुए हैं वो है एज अ एक्सपेरिमेंटर इम्प्रोवाइजर, वो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं और इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आईपीएल भी खेला है जहां पर आप अगर इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे तो आपको ग्राउंड के बाहर मारेंगे बैट्समैन, और उसी वजह से एक हिम्मत चाहिए कि वो आप इम्प्रोवाइजेशन टेस्ट मैचेस में भी ले जाए और टेस्ट मैचेस में ले जाके अगर आपको सफलता मिलती है तो फिर आपका हौसला और बढ़ जाता है। लेकिन जब शुरू में उन्होंने किया था ये इम्प्रोवाइजेशन तो उनको इतनी सफलता मिली नहीं। ये मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट हुआ है अश्विन का ये पिछले 1-1.5 साल में हुआ है और इनके उसके लिए बहुत ना सिर्फ आपको अपनी कला पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है क्योंकि विकेट्स लेने के लिए निखिल आपको बताएंगे कि हर गेंद पे आप कोशिश करते हैं विकेट लेने के लिए लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 4 या 5 विकेट डालना है लेना है तो 20 ओवर 25 ओवर लग जाते हैं। नेथन लॉयन जो है अपनी ऑर्थोडॉक्स क्राफ्ट में बहुत ऊंचाई तक लेके गए, जैसा निखिल ने बताया कि आप अलग अलग ट्रेजिक्ट्री उसी एक्शन से आप डाल रहे हैं लेकिन अलग-अलग गेंद गिर रही है, वो ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर है। उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि मुझे ज्यादा इम्प्रोवाइज करना है, वो एक्चुअली क्या करते हैं कि पिच में जो वेयर एंड टेयर होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है चौथे या पांचवें दिन, या आपको एक ऐसा स्पेल डालना है क्योंकि फास्ट बॉलर्स को रेस्ट चाहिए तो आप एक एंड होल्ड करके डालें, क्योंकि ये भी एक टैक्टिक है, आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने गए बैट्समैन रन ले लिए आपसे तो फिर वो प्रेशर जो है वो उड़ जाएगा और फास्ट बॉलर्स की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अलग अलग बॉलर्स के लिए अलग अलग किरदार होते हैं और ये एडवांटेज तो है ही अश्विन का, जैसे राजीव आपने बताया कि इंडियन पिचेस पे बहुत ज्यादा खेले तो विकेट टैली जो है वो बढ़ती है, लेकिन दोनों ही ग्रेट बॉलर है और जो एनालिसिस दिया निखिल ने मैं बहुत यानी वो इमेजरी जो पेश किया है वो बहुत बेहतरीन है कि दोनों ही ऑफ स्पिनर है लेकिन दोनों कितने अलग है। बिल्कुल, लेकिन भाई कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे आप? मैं ऐड ऑन सिर्फ यही कर रहा था, बाकी आयाज भाई बताएंगे, हमसे कहीं ज्यादा सीनियर है, कहीं ज्यादा मैचेस देखे हैं। एक बॉलर के लिए राजीव भाई वेरिएशन ना उस तरीके से जैसे आप फ्रूट चाट में चाट मसाला डालते हैं, ज्यादा डाल देंगे ज्यादा वेरिएशन करेंगे ना वो कड़वा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि फ्रूट खाने पे ध्यान दे, वो तभी डाले थोड़ी सी चुटकी जब जरूरत हो,
आज भाई ठीक है बिल्कुल 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 बिल्कुल। और चाट में चटनी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब चटनी कितनी आप डालते हैं, क्योंकि हम लोग तो इलाहाबादी है। लिटल लिटल जी है सर। राजीव मैं अश्विन के बारे में एक बात कहूंगा कि ये उनका जो एक मेंटल बैटल जो होता है बैट्समैन के साथ, और जितना बड़ा बैट्समैन है उतना ज्यादा इंटेंस बैटल होता है, तो ये बहुत देखने में भी बहुत मजा आता है कि आप जो क्रिकेट जो है, हम सब कहते मानते हैं कि आपके पास जो हुनर है स्किल्स है वो मैदान पे खेला जाता है, लेकिन मैदान जब डालने से पहले जहन में बैटिंग में आप बल्लेबाज जो है वो किस तरह से मेंटल बैटल जीतता है बॉलर के खिलाफ, और बॉलर जो है वो मेंटल बैटल जीतता है बैट्समैन के खिलाफ, और ये इसमें अश्विन जो है बिल्कुल तेज छुरी तेज धार लग गई अभी उनकी छुरी को, वो हर बार जो है वो चैलेंज देखते हैं कि, और बड़ा जितना बड़ा बैट्समैन हो उनकी उतनी ज्यादा कोशिश होती है कि इसकी विकेट निकालूं। बिल्कुल एक नया टॉपिक निखिल भाई दे दिया है सर ने कि स्पिनर्स क्या मेंटली ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज्यादा अटैकिंग होते हैं, इस पर आगे एक दिन डिटेल में बातचीत करेंगे, पूरा आधे घंटे का विषय दिया है सर ने ये। जोर का झटका राजीव भाई, जोर का झटका धीरे से धीरे से। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी खेल नीति के साथ रोज जुड़े सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं @RajeevMish मेरा ट्विटर हैंडल है, @CricketValla आया सर का ट्विटर हैंडल, और @NikhilChopra ये निखिल भाई का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam Gupta is joined by Gopal Agrawal, Senior Fund Manager, HDFC AMC Limited. They talk about the latest new fund offer, the HDFC Multicap Fund. On Probation Se Promotion Tak, host Abhinav talks about leadership and how it can be nurtured. On Fin Talks at Bob World, Akhil is in conversation with Mukesh Kaldra. Mukesh is the founder and CEO of ET Money, and they discuss how Indians invest. Join the Simplified Trio as they break down complex causes, effects, politics and cricketing mishaps caused by the intense air pollution in Delhi. Yeah, you heard that right, cricketing mishaps. And on Edges and Sledges, Ashwin and DJ talk about the first test match between India and New Zealand at the 2022 IPL retentions. Do follow us on social media, we're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, IVMPodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. पेशे खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। Hi, I am Sadaf. And I am Arshad. खाने का इतिहास, economics, policy, psychology, सब है मेन्यू पर। Only on the Naan Kari Podcast. Every Wednesday, सिर्फ IVM Podcast app या वेबसाइट पर, या फिर जहां से भी आप अपने podcast सुनते हो।